9 मार्च को भारत के सिरसा से, भारत में जो पंजाब है, पंजाब के सिरसा से एक मिसाइल लॉन्च हो गई थी। उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और पाकिस्तान के एक प्रांत में जाके मिसाइल गिरी थी और उस पर पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी और उनके NSA और उनके और लोगों ने, DGPR ने जो भी अपना स्टेटमेंट दिया था, मैंने उस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन कल देर शाम पाकिस्तान के इमरान खान का भी बयान आ गया है। उसने क्या कहा है वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये कल अभी से 15 घंटे पहले ये पंजाब के हफीजाबाद एक एरिया है पंजाब में, वहाँ पे एक रैली कर रहा था। उस रैली के दौरान इसने ये बात कही है कि हम चाहते हैं, इसने मेन क्वेट में कर रहा हूँ जो इसने बात मेन कही है, उसने ये कहा है कि हम चाहते तो भारत के इस कारनामे पे हम भी मिसाइल दाग सकते थे, हम भी कुछ ना कुछ पलटवार कर सकते थे, हमारी सेना भी बेहतर जवाब दे सकती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हम वो चीज़ नहीं करना चाहते। ये कह रहा है पाकिस्तान का इमरान खान। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, पाकिस्तान ने एक मांग रखी भारत के सामने, क्या इंडिया के सामने ये मांग रखी है कि जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रक्षा मंत्रालय ने, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, थंबनेल पे ही मैंने लिखा था कि रक्षा मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए, तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी इसमें ज्वाइंट करना चाहते हैं, हम मतलब संयुक्त तो इसमें जाँच बैठाना चाहते हैं, हम भी जाँच करेंगे, आप भी जाँच करी, दोनों मिलकर एक ही में जाँच करेंगे। तो भारत ने एकदम साफ साफ से क्लियर कर दिया कि तेरे साथ हमारी बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो हमने संयुक्त की थी आज भी वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो अगर ये भी इन्वेस्टिगेशन भारत करता है तेरे साथ तो वो भी पेंडिंग पड़ी रहेगी। और भारत अभी नहीं चाहता कि कोई नया मैटर बखेड़ा खड़ा हो पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को चीज समझनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हफीजाबाद में जो पाकिस्तान के इमरान खान ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि हम पलटवार करें, लेकिन हमारी सेना सक्षम है पलटवार करने में, हमारा देश तरक्की की ओर जा रहा है, हमारे देश में इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ कवर हो रही है, तो मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान का इमरान खान या तो पागल हो गया है या तो दिवालिया हो गया है, दोनों में से कुछ एक तो जरूर हुआ है उसको। क्यों? क्योंकि जो वो कर्जा ले रहा है वो उसको समझ रहा है इकोनॉमी स्ट्रेंथ, तो वो नहीं है। जो अपनी जनता को हफीजाबाद में जो भी रैली कर रहा था, क्योंकि ये चीज उसके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे हफीजाबाद की एक रैली का उसने फोटो भी डाला हुआ है, और आप इस न्यूज को पढ़ भी सकते हैं गूगल करके, कि उसने जो ये सेंटेंस बोला है ना, तो मुझे लगता है कि जितना उसने कर्ज ले रखा, उसने कहा है कि इकोनॉमी हमारी बेहतर दिशा में चल रही है, तो जो उसने कर्जा ले रखा है शायद वो उसको इकोनॉमी समझ रहा है मेरे हिसाब से। और पाकिस्तान का इमरान खान जो ये कह रहा है कि हमारी सेना जवाब देने में सक्षम थी, तो भारत ने मूव ऑन करने के लिए ऑलरेडी बोल दिया है। अगर आपके पास दिमाग होता तो आप उस सब्जेक्ट से मूव ऑन कर चुके होते, और भारत ने भी इसको बहुत एक्टिवली देखा है यार, बहुत सख्ती के साथ देखा उस मैटर को, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रक्षा मंत्रालय ने दे दिए हैं जांच के आदेश, ऐसा नहीं भारत चुप बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी आपको उनके भारत के साथ ज्वाइंट होना है, भारत में घुसपैठ करनी है, भारत में आतंकवाद फैलाना है, भारत के जम्मू कश्मीर में घुसना है, भारत को एकदम बदनाम करना है इंटरनेशनल पैसिफिक में जाके, पता नहीं 5 वीटो पावर कंट्रीज सब जाके इस मैटर को बोल रहे हो, तो भाई बोलो, कोई टेंशन नहीं, बोलो जाके जिधर बोलना है। हमने अपनी एक्सेप्टेंस मान ली, हमारी गलती है, गलती से हो गया, वॉरहेड नहीं था, किसी को नुकसान नहीं हुआ, फिर किस बात का बखेड़ा कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान के इमरान खान और कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो उसके पास दिमाग अगर होता तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाती, लेकिन पाकिस्तान की जनता को ही वो बेवकूफ़ बना सकता है कि उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में चल रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चल रही है, क्राइसिस क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, आप इंटरनेट पर सेवरल डाटा देख सकते हैं 2022 का, राइट नाउ एट दिस टाइम का, आज के टाइम का, 14 मार्च का आप निकाल के डाटा देख सकते हैं, क्या डाटा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बिकॉज पाकिस्तान के इमरान खान जो बेतुके बयान दे रहे हैं कि हमारी सेना हमला कर सकती थी, हमारी सेना, आप कुछ नहीं कर सकते थे, और पाकिस्तान की सेना जब ये बयान दे रहे हैं तो पाकिस्तान की सेना एक चीज़ ये सोच रही है कि पाकिस्तान को जो चाइना ने HQ-16 लो टू मीडियम एप्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, वो फिर क्या काम कर रहा था भाई, जो भारत के ब्रह्मोस के लिए हमने चाइना से स्पेशली खरीदा था HQ-16 लो टू मीडियम एप्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, वो फिर क्या कर रहा है? ब्रह्मोस तो आके गिर गई, हम क्या कर रहे थे? और मैं आपको बता दूं, मैं एक टाइमिंग भी लिख के लाया हूं, 6:43 पर भारत के सिरसा से ही मिसाइल लॉन्च हुई और 6:50 पर पाकिस्तान में जाके गिर चुकी थी। तब तक पाकिस्तान के अंदर जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-60 लो टू एप्टीट्यूड मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम, उसने कोई भी आइडेंटिफाई नहीं किया और कुछ ने कोई रडार में इसने दिखाया तक नहीं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। और पाकिस्तान की आर्मी इस चीज़ को समझ रही है कि हमारे लिए चाइना ने जो हमको चिपका दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। पाकिस्तान के इमरान खान को चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो दिवालिया हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, उनका दिमाग नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो इसको कल को बहुत बड़ी चीज़ें झेलनी हो सकती हैं इंटरनेशनली, तो वो ये चीज़ समझ रही है कि चाइना ने जो हमको दिया है ना HQ-16 लो टू मीडियम एप्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, भारत के ब्रह्मोस के लिए हमने स्पेशली खरीदा था, और वो तो उसको ट्रैक तक नहीं कर पाया और वो आगे गिर गया, तब इनको मालूम चल रहा है कि हाँ भाई कुछ आगे गिरा हुआ है। तो पाकिस्तान का इतनी बुरी हालत है और पाकिस्तान को ऐसे भी कोई कुछ भी चिपका के चला जा रहा है डिफेंस के नाम पे। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।
आप सभी से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो की अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।